वेलकम बैक मेरे सभी 58 सब्सक्राइबर्स को और मेरे न्यू व्यूवर्स को भी। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 5 लीक्स अबाउट एप्पल्स न्यू मैकबुक प्रो 2021। WWDC जो कि एप्पल का इवेंट होता है हर साल, उसने इस बार बहुत सारे एप्पल फैन बॉयज को डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने मैकबुक प्रो के रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था। क्योंकि बहुत सारे टिप्स्टर्स, एप्पल लीक एक्सपर्ट्स ये कंटिन्यूअसली प्रेडिक्ट कर रहे थे कि WWDC 2021 में एप्पल मैकबुक प्रो के लॉन्च का अनाउंसमेंट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर मैं ऐसे लीक्स लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मैकबुक प्रो 2021 के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से कर दो भाई लोग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीक इज अबाउट इट्स प्रोसेसर। तो मैकबुक प्रो 2021 में 10 कोर एप्पल सिलिकॉन सीपीयू विद 8 हाई परफॉर्मेंस कोर्स एंड 2 एनर्जी एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिल सकता है, जिसका नाम M1X हो सकता है, एंड अप टू 32GB ऑफ रैम भी देखने को मिल सकता है। और एक लीक ये भी कहता है कि एप्पल जो है 20 कोर सीपीयू पे भी काम कर रहा है अपने 2021 के मैकबुक प्रो लैपटॉप्स के लिए, जिसमें 16 हाई परफॉर्मेंस कोर्स होंगे एंड 4 एनर्जी एफिशिएंसी कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये 20 कोर सीपीयू वाले मैकबुक्स आने में 1-8 साल तो आराम से लग जाएगा। एंड द सेकेंड लीक इज एप्पल इज एडिंग अ स्पीडी USS 2 SD कार्ड रीडर, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर और वीडियो एडिटर के लिए एक जेम ऑफ अ फीचर है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ओवर 150 MB/s भी है, जिससे वीडियो एक्सट्रैक्शन सीमलेस हो जाएगा। एप्पल ने इस फीचर को 2016 में ही ड्रॉप कर दिया था, जिसकी वजह से फोटोग्राफर और 4K वीडियो एडिटर को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती थी, जो कि अब जाके रिजॉल्व होगा। द थर्ड लीक इज मैकबुक प्रो 2021 के सभी वेरिएंट्स में इस बार 1080 दैट इज फुल HD रेजोल्यूशन वाला वेबकैम देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि एप्पल ने हमेशा से अपने हर एक मैकबुक में सिर्फ 720p वाला वेबकैम ही यूज करते आया है, जो कि एक प्रोफेशनल ग्रेड लैपटॉप को जस्टिफाई नहीं करता था, बट दिस रिचुअल विल फाइनली एंड दिस ईयर। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ लीक, जो कि डिस्प्ले के रिलेटेड है। तो एप्पल इस बार अपने 2021 के मैकबुक्स में LCD पैनल के बदले में मिनी LED डिस्प्ले यूज कर सकता है, जिससे जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। एक्चुअली एप्पल ने स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मिनी LED यूज करने वाला है, पर सिर्फ ये सुनने को मिला था कि एप्पल के इस साल के सभी मैकबुक प्रो के डिस्प्ले के ब्राइटनेस बढ़ने वाली है। तो ये चीज LCD पैनल को मिनी LED से रिप्लेस करे बिना हायर ब्राइटनेस अकम्प्लिश नहीं कर सकते, विच सेज एप्पल कुड यूज मिनी LED पैनल्स दिस ईयर। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लिस्ट, एप्पल अपने मैक्सिफ चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी वापस से ला रहा है इस बार अपने हर एक मैकबुक प्रो लैपटॉप्स में। अगर आपको नहीं पता कि मैक्सिफ चार्जिंग क्या है, तो ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन यूज करके फास्टर चार्जिंग अकम्प्लिश करता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट भी है। एप्पल ने मैक्सिफ टेक्नोलॉजी को सी पोर्ट चार्जिंग की वजह से ड्रॉप कर दिया था, बट दिस टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अ कमबैक दिस ईयर। तो ये थे टॉप 5 लीक्स अबाउट अपकमिंग मैकबुक प्रो 2021। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा लीक आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज से शांत था बाहर।